Hello kids, how are you all? Hope you are all fine. Today I am taking your English reader class. In this I am going to take your second chapter, Beautiful Butterfly. बहुत सुंदर प्यारी सी तितलियों की कहानी है। इसमें पहले हम difficult words लेंगे, goodness यानी जो अच्छी चीज है। goodness का मतलब है a quality to be good। grind grind का मतलब कोई चीज को mix करना। बर्ड सॉन्ग, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ बर्ड सॉन्ग? बर्ड सॉन्ग का मतलब होता है म्यूजिकल साउंड ऑफ बर्ड। नाउ द फोर्थ वर्ड इज डिसअपीयर। डिसअपीयर का मतलब होना, डिसअपीयर का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। रे, रे का मतलब होता है जैसे देखा ना सन से रेज आती है, सन की रेज, रोशनी, किरणी। कॉर्न का मतलब होता है, आपने देखे हैं कॉर्न, भुट्टे के दाने, दैट इज नोन एज कॉर्न। फ्लटर का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द विंग्स ऑफ द बर्ड, बर्ड्स की फास्ट मूवमेंट, जब चिड़िया जब फटफट करती है ना बहुत तेजी से अपनी विंग्स को हिलाती है, दैट इज नोन एज फ्लटर। नाउ कम टू द चैप्टर, वी विल रीड द चैप्टर एंड आई विल एक्सप्लेन यू वन लाइन बाय लाइन। लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी बहुत समय पहले, वन डे द गॉडेस ऑफ गुडनेस यानी अच्छाई के जो भगवान है, वॉज वॉकिंग आउट, वो चल रहे थे। द स्काई वॉज ब्लू, आसमान कैसा था? ब्लू था। एंड एवरीवेयर ही सॉ द कलर ऑफ स्प्रिंग, और सब जगह पे उनको कैसा कलर दिखाई दे रहा था? स्प्रिंग का। स्प्रिंग का मतलब पता है ना, वसंत ऋतु, यानी सब जगह पे बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे और जो सराउंडिंग थी वो बहुत ही सुंदर, हरी भरी, अच्छी लग रही थी। सून द गॉड ऑफ गुडनेस अराइव्ड एट अ विलेज वेयर वुमेन वर ग्राइंडिंग कॉर्न। सून मतलब बहुत जल्दी ही जो अच्छाई के देवता थे यानी भगवान थे, वो एक ऐसे गांव में पहुंचे जहाँ पे जो लेडीज थी, वुमेन यहाँ पे क्या है, लेडीज मतलब बहुत सारी औरतें जो है कॉर्न को ग्राइंड कर रही थी। चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली, बच्चे खेल रहे थे एक साथ, एंड सम वुमेन, और उसमें कुछ औरतें जो थी वो मिल्किंग काउ यानी कि गाय का दूध निकालना, दैट इज मीन। गॉड ऑफ गुडनेस सैट डाउन एंड एंजॉय द ब्यूटिफुल स्प्रिंग कलर, जो अच्छाई के देवता थे वो वहीं पर बैठ गए और वो इस स्प्रिंग कलर को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे, वो उसको एंजॉय कर रहे थे। एंड द साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग, द साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग, दिस लाइन का मतलब ये है गॉड ऑफ गुडनेस यानी जो अच्छाई के देवता थे वो वहां पर बैठ गए और वो इस ब्यूटीफुल जो कलर्स हैं स्प्रिंग के, यानी आपने देखा होगा रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं और आज सब जगह पे हरियाली सी छा जाती है, तो वो इस कलर को एंजॉय कर रहे थे। और साथ में जो बर्ड सॉन्ग है यानी कि बर्ड्स की जो गाने थे, मतलब बर्ड्स भी बहुत खुश होती हैं, तो उनका म्यूजिकल साउंड भी वो एंजॉय कर रहे थे। सडनली गॉड ऑफ गुडनेस बिकम सैड, लेकिन तभी अचानक क्या हुआ, जो हमारे गॉड ऑफ गुडनेस थे वो बड़े ही सैड हो गए। अब क्यों हो गए वो सैड? क्योंकि द कलर ऑफ द स्प्रिंग वुड डिसअपीयर, कि जो स्प्रिंग में जो कलर आया था वो क्या होगा, गायब हो जाएगा। वो सोचने लगे कि ये जो कलर आया है ये फिर कहीं गायब हो गया। इस सोच को सोचने से वो काफी सैड फील कर रहे थे, क्योंकि इट विल बी विंटर सून, क्योंकि जब सर्दियां आएंगी, जैसे ही इट विल बी विंटर सून यानी कि सर्दियां आने वाली हैं, एंड लीफ वुड फॉल, आपको पता है ना जब विंटर आता है तो क्या होता है, पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, फ्लावर्स के कलर फेड हो जाते हैं। तो यही चीजें सोचकर हमारे जो गॉड ऑफ गुडनेस थे वो सैड हो गए। तो उन्होंने गॉड ऑफ गुडनेस केप्ट थिंकिंग फॉर एवर डिलाइटेड, मतलब वो सोचने लगे कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये चीजें जैसी हैं वैसी ही रहें। ही थॉट अवे टू कीप द स्प्रिंग कलर लॉन्ग सो दैट एवरीवन कुड एंजॉय देम फॉर लॉन्गर। अब वो ये सोच में थे कि कैसे मैं इस कलर को प्रिजर्व रखूं ताकि सब लोग इस चीज को एंजॉय कर सके काफी लंबे टाइम। So God of goodness looked at his bag, उन्होंने अपने बैग था उनके पास, उन्होंने इस बैग में देखा, which he always carried, उनके पास एक बैग था जिसको वो हमेशा अपने साथ ले जाते थे। He opened it up and started to fill it with the color, उन्होंने उसे खोला और उस he opened it up and started to fill it with color, उसको बैग को खोलकर उन्होंने उसमें कलर्स फिल करने शुरू किए, भरने शुरू किए उस बैग में। He saw all around him, उन्होंने अपने आसपास देखा। He took gold from the ray of sunlight,
जो सन की रोशनी थी, रोशनी की किरणें थी जो सन की, उससे उन्होंने क्या लिया? गोल्ड कलर लिया। और ब्लू कलर कहाँ से लिया? ब्लू कलर आसमान से लिया। ही कलेक्टेड शाइनी ब्लैक फ्रॉम अ वुमन हेयर, जो वहां पे लेडीज बैठी थी, औरतें बैठी थी, उनके बालों से शाइनी ब्लैक कलर लिया। एंड वाइट फ्रॉम मिल्क, और वाइट कलर किससे लिया? दूध से। दूध पता है ना, यहाँ पे काऊ के बारे में बताया गया था। तो ही टेक वाइट कलर फ्रॉम द मिल्क, ही टुक ग्रीन फ्रॉम पाइन नीडल, रेड एंड येलो फ्रॉम लीव्स, और पाइन के पेड़ से जो पत्ते हैं उनमें से उन्होंने ग्रीन कलर लिया, रेड एंड येलो फ्रॉम द लीव्स, और लीव से भी रेड और येलो कलर भी लिया। एंड पर्पल एंड ऑरेंज कलर फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर से उन्होंने ऑरेंज और पर्पल कलर लिया। व्हेन ऑल द कलर वर इन द बैग, जब उन सारे कलर उनके बैग में भर गए, तो गॉड ऑफ गुडनेस शोक इट, शोक इट मतलब उन्होंने उसको कस के हिलाया। देन ही कॉल्ड ऑल द चिल्ड्रन ओवर, और फिर सब बच्चों को बुलाया। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, मेरे पास आपके लिए सरप्राइज है, उन्होंने कहा। टेक दिस बैग एंड ओपन इट, इस बैग को लो, उन्होंने बोला। गॉड ऑफ गुडनेस ने बच्चों से बोला कि ये बैग को पकड़ो और इसे खोलो। द चिल्ड्रन ओपन द बैग एंड द हंड्रेड ऑफ कलरफुल बटरफ्लाई फ्लू आउट। तो जैसे बच्चों ने उस बैग को ओपन किया तो क्या हुआ पता है? उसमें से बहुत सारी बटरफ्लाईज बाहर निकली और उड़ने लगी। हाउ द चिल्ड्रन लाफ विद जॉय, तो सारे बच्चे जो थे बड़े ही खुशी के साथ हंसने लगे। द वुमेन केम ओवर टू सी द बटरफ्लाई टू, औरतें भी देखने आई उस बटरफ्लाई को देखने के लिए। एंड सो डिड द मैन, और जो वहाँ पे मेन थे वो लोग भी आए। यहाँ पे बहुत सारे मेन्स और वुमेन्स के लिए, इसलिए हमने वुमेन और मेन का यूज किया है। हु हैड बीन वर्किंग, तो यहाँ पे जितने आदमी, जितने भी मैंस वहाँ पर वर्क कर रहे थे, फील्ड में काम कर, यानी कि अपने अपने फील्ड में काम कर रहे थे, वो सब आए। Everyone स्ट्रेच आउट देयर हैंड्स, स्ट्रेच का मतलब होता है अपने हाथ को ऐसे खींच, मतलब बढ़ाना, ताकि आउट देयर हैंड सो द बटरफ्लाई कुड लैंड ऑन देयर, ताकि बर्ड्स उनके बटरफ्लाई उनके हाथ में आ जाए। एंड द बटरफ्लाई स्टार्ट टू सिंग एज दे फ्लटर्ड अराउंड, और जो बटरफ्लाई थे उन्होंने सॉन्ग गाना शुरू किया एज दे फ्लटर्ड अराउंड। जब वो घूम अपने विंग्स को मूव कर रहे थे तो उन्होंने गाना भी अपने विंग्स के साथ, जैसे जैसे काम विंग्स को मूव करना शुरू किया उसके साथ साथ उन्होंने गाना भी शुरू किया। द पीपल वर डिलाइटफुल, डिलाइटफुल मीन्स हैप्पी, लोग इस सीन को देखकर, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर इतने खुश हुए। द कलर ऑफ स्प्रिंग कुड बी एंजॉय फॉरएवर नाउ, तो अब क्या था कि इस बटरफ्लाई को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि द कलर ऑफ स्प्रिंग, यानी कि वसंत ऋतु में जो कलर दिखाई देते हैं वो हम एंजॉय कर सकते हैं। नाउ कम टू द ओरल असाइनमेंट, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं ओरल असाइनमेंट में। टेक द करेक्ट ऑप्शन, हु वॉज वॉकिंग आउट वन डे, कौन जा रहा था एक दिन, चल रहा था? गॉड ऑफ काइंडनेस, गॉड ऑफ गुडनेस, गॉड ऑफ मर्सी, तो इसका आंसर क्या होगा? गॉड ऑफ गुडनेस। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, What were women doing in the village? Village में ladies क्या कर, women's क्या कर रही थी, औरतें क्या कर रही थी? इसमें grinding कर रही थी, cooking कर रही थी, या playing? इसका answer क्या होगा? Grinding. From where did God of goodness take golden color? God of goodness ने gold color कहाँ से लिया था? Anyone guess? Yes, you're right. The God of goodness take gold color from the sunlight. Come to fourth point. What did God of goodness shake? God of goodness ने क्या चीज shake करी थी? His bag. Very good. Now come to the fifth question. What was the surprise God of goodness had? God of goodness को क्या, यानी उन्होंने क्या surprise दिया था? उन्होंने color of full butterfly का surprise दिया था। Okay kids. Now clear to all of you the part A of oral assignment ka B part and writing assignment ka A part. I will give you in return. Is it clear to all of you? Okay, bye and thank you.